की जो सेना है अकबर, वो अपनी सेना के साथ चित्तौड़ पर आक्रमण करने वाला है, और फिर से जो है प्रताप ने उनको पछाड़ दिया, उन्हें पीछे जाने के लिए उन्हें विवश कर दिया। और सभी ऊपर थे आज, उदय सिंह थे, सांडा जी थे, जयमाल थे, कल्ला था, चक्री हमारे जो गुरुदेव हैं वो थे, सब लोग ही थे आज। मतलब जो कहें कि द मैन ऑफ मेवाड़ जितने भी थे सब ऊपर थे आज, और आज हम सब ऊपर खड़े हुए थे। और जब जैसे ही अकबर ने हम सबको ऊपर देखा तो वो डर के वापस चला गया। काफ़ी जय जयकार भी हो रही प्रताप की। हाँ, मतलब एक तरह से प्रताप ने फिर से, जैसे मैंने आपसे कहा कि उसने चित्तौड़ को बचाया, अपने ही स्टाइल में बचाया, और कहीं ना कहीं चित्तौड़ को उम्मीद भी थी और ये आशा भी थी कि प्रताप जो है बचाएंगे चित्तौड़ को, तो उन्हें फिर से जो है एक बार चित्तौड़ को बचाया है अपनी बहादुरी से। जी, प्लीज़ कीप वॉचिंग महाराणा प्रताप। ये शो मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज अनडाउटेडली एक ऐसी शख्सियत जिसे हम सब जानते हैं, महाराणा प्रताप, हमने बचपन से उनके बारे सुना है, पढ़ा है, उन्हें पूजा जाता है, तो मुझे उसे निभाने का मुझे अवसर मिला, तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ। तो मैं चाहता हूँ मेरे जितने ही फैंस हैं, जितने व्यूअर्स हैं, प्लीज़ आप लोग की वॉचिंग महाराणा प्रताप। अनडाउटेडली हम कोशिश करते हैं कि हम जितना उसमें और हम एक्साइटमेंट ला पाएँ, एक्शंस हम बहुत कोशिश करते हैं जितने स्टंट्स हों रियल हों और आप लोगों को पसंद आए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड लव यू, थैंक यू। We'll be right back.